हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर सेवन की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर वन के ए बी सी पार्ट को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स गिवन है स्टूडेंट्स, हमें उनको कंप्लीट करना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ही है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में हमें दिया गया है टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होती है अगर। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, दे हैव द सेम लेंथ। देखिए, हम जानते हैं कि दो लाइन सेगमेंट्स तभी कॉन्ग्रुएंट होती है जब उनकी लेंथ सेम होती है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ। दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होती है अगर उनकी लेंथ सेम है। तो ये जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है, यहां पर आप ये आंसर यहां पर लिख देंगे। इसके बाद हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें कहा गया है अमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज अ मेजर ऑफ 70 डिग्री। दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है जिनमें से एक की मेजर हमें दे रखी है 70 डिग्री। द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज, तो दूसरे एंगल की मेजर क्या होगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा 70 डिग्री। ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी मेजर इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे पढ़ेंगे, अमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज अ मेजर ऑफ 70 डिग्री, द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री आप यहाँ पर लिखेंगे। अब हम सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में हमें कहा गया है व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी वी एक्चुअली मीन, जब हम लिखते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी तो एग्जैक्टली हमारा उससे मतलब क्या होता है। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब हम लिखते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी तो इसका मतलब होता है कि मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल होती है मेजर ऑफ एंगल बी के। तो यहाँ हमारा आंसर रहेगा मेजर ऑफ एंगल ए। आप इसको कैसे पढ़ेंगे, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी। तो अब एक साथ हम इस चीज को कैसे पढ़ेंगे, व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी वी एक्चुअली मीन मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी। आप ये आंसर यहां पर लिखेंगे। इसका मतलब जब हम लिखते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी तो इससे हमारा मतलब होता है कि मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल है मेजर ऑफ एंगल बी के। यानी अगर एंगल ए 40 डिग्री है तो एंगल बी भी 40 डिग्री होगा, अगर एंगल ए 60 डिग्री है तो एंगल बी भी 60 डिग्री होगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।